सो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है और इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक छोटे से डायग्राम से। ये एक मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, आप इसे गौर से देखिए। इस डायग्राम को मैं चार हिस्सों के अंदर डिवाइड करता हूँ, 1, 2, 3, 4। पहले इसमें आता है लग्जरी क्लास, लग्जरी। दूसरे में आता है कंफर्ट। तीसरे में आता है पुअर और चौथे में आता है चैरिटी। लग्जरी, टाटा, बिरला, अंबानी, इस तरीके के लोग जो लोगों को नौकरी देते हैं और कितना भी खर्च करें इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होती है एकदम लग्जरी क्लास जो गिनी चुनी होती है। उसके बाद आती है कंफर्ट क्लास। कंफर्ट क्लास में मैक्सिमम क्रिकेटर्स आ जाते हैं, एक्टर्स आ जाते हैं, यानी इतनी इनकम होती है कि कितना भी खर्च करो खुद पे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी होती है पुअर क्लास। पुअर क्लास के अंदर अगर हम देखें तो इसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दोनों आती है। अगर मैं पुअर की बात करूं तो अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ये दोनों क्लासेस आती है। यानी खाया पिया, थोड़े बहुत वॉन्ट्स और नीड्स पूरी की, फिर जस के तैसे, यानी कमाया, थोड़ी बहुत सेविंग की, फैमिली पर लुटाया, एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, ये सारी की प्लानिंग की और फिर जैसे के वैसे। और लास्ट में आती है चैरिटी क्लास। ये वो क्लास है जो सुबह से शाम तक मेहनत करती है, इवनिंग में पैसा जमा करती है और फिर खाती है। एग्जांपल के तौर पे सब्जी वाले हो गए, रिक्शे वाले हो गए, ये बहुत से ऐसे लोग जो दिन भर कमाते हैं, रात में राशन लाते हैं, खाते हैं, फैमिली को खिलाते हैं, फिर जैसे के तैसे। यानी अगर इनका सेविंग की बात किया जाए तो बस छोटी सी। तो ये चार टाइप के क्लास होती है, लग्जरी, कंफर्ट, पुअर एंड चैरिटी। तो हम अगर किसी कस्टमर के पास बैठे और कस्टमर का नाम है मिस्टर राम, सो अगर हम उनको पूछते हैं, मिस्टर राम ये चार क्लासेस है 1, 2, 3, 4, आप अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो? सो कोई भी कस्टमर अपने आप को चैरिटी में नहीं रखेगा, वो अपने आप को इस या इस दो क्लासेस के अंदर डालने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम ने अपने आप को अपर मिडिल क्लास में रखा, ये हो गया मिस्टर राम। राइट? तो मिस्टर राम, मैं आपको अपर मिडिल क्लास में रखता हूं। मिस्टर राम, जब तक आपकी सांसें चल रही है, ये आपकी सांसें, जब तक आपकी सांसें चल रही है, जब तक आप ब्रीथ कर रहे हो, आपकी फैमिली अपर मिडिल क्लास पर स्पॉटेड है। समझे मैंने क्या कहा? जब तक आपकी सांसें चल रही है, आपकी फैमिली अपर मिडिल क्लास पे स्पॉटेड आउट है। लेकिन जिस दिन भी आपकी सांसें रुक गई, तो ये बॉल खसर के कहां जाएगा इसका अंदाजा आपको है। जिस दिन आपकी सांसें रुक गई, ये बॉल घसर के लोअर क्लास पे भी आ सकता है, बॉल घसर के चैरिटी पे भी जा सकता है। इसलिए इस बॉल को घसरने से रोकने के लिए हमें यहां पे एक बार लगाना जरूरी है, जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं। जी हाँ, और प्रोटेक्शन का मतलब है आपकी इनकम का 10 times लाइफ कवर होना बहुत जरूरी है। सो मिस्टर राम, अगर आपको इस बॉल को घसरने से रोकने के लिए बचाना है, तो आपको आपकी इनकम का 10 times लाइफ कवर यानी लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मैं अपने कस्टमर को पिच करूंगा टर्म प्लान या प्रोटेक्शन प्लान। आपको ये टेक्निक कैसी लगी,
नीचे दिए गए स्टेटस में ज़रूर बताए और मुझे बताए बताइए कि आपको और किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है। मैं उस टाइप की वीडियोस बना के आपके सामने ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, बी एट होम, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।